बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। उसामा साहब, इमरान खान के बारे में ये कहा जाए कि वो खामोश रहने के आदी हैं तो ये गलत है, झूठ है। जो दिल में आता है, जब दिल में आता है, जो बोलना चाहें वो बोल देते हैं। लेकिन रिपोर्ट अब आजकल ये हो रहा है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में सहाफ़ी भी जाएं, या ज़्यादातर लोग मुकदमात की समाअत के दौरान से ये रिपोर्ट हुआ कि वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे मीडिया से। तो ऐसा क्या हुआ है इमरान खान के जायचे के अंदर या इमरान खान के साथ कि वो खामोशी अख्तियार कर चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये आपको याद होगा, हमने पिछले किसी वीडियो में जिक्र किया था कि मार्स जो है वो डेब्लिएटेड हुआ है। मार्स उनके मून साइन का रूलिंग प्लैनेट है, गया कैंसर साइन में था और उसमें एकदम आपको लो एनर्जीज और वहाँ जैसे कहते हैं ना, दिल का मौसम डिस्टर्ब होने के भरपूर चांसेस थे, क्योंकि चौथा घर आपका कंफर्ट का, आपकी मदर का, आपकी व्हीकल का, आपके घर का, आपके दिल का माना जाता है। और उसमें मार्स का जाना और लो एनर्जीज के साथ जाना एकदम जैसे आपको, जैसे कहते हैं ना, सदमा दे या आपका दिल का मौसम अच्छा ना रहे। और बल्कि ये अच्छा है कि वो बोल नहीं रहे, क्योंकि बोले तो गिला करेंगे। अगर वो बोले, अवाम से भी गिला करते नजर आएंगे, पार्टी से भी, लोगों से भी। इस दफा मैंने जैसे कहा था ना कि उनकी टोन अगर बदली हुई हो सकती है तो ये वो वक्त हो सकता है जिसमें उनकी टोन बदल सकती है। ओके, क्योंकि अब इसने रहना जनवरी तक तकरीबन मार्स ने यही, लेकिन इसने नक्षत्र बदलने हैं। जब तक ये नक्षत्र चेंज करता जाएगा, इम्पैक्ट थोड़े से बेहतर होंगे। बल्कि आप जो व्यूअर भी सुन रहे हैं इस वक्त, आप देखेंगे इस टाइम ब्लड इश्यूज आएंगे, क्योंकि मार्स ही रूल करता है आपके सुरखुलियों को, ब्लड आपके। इसी तरह से देखा जाता है कि जो आपका बिजनेस है वो भी मार्स के जरिए होता है। आपकी जो डिफेंस है, खिलाड़ी हैं और जितनी भी एजाइल एक्टिविटीज़ हैं, जिस्मानी एक्टिविटी जितनी भी है वो मार्स से, क्योंकि ब्लड फ्लो से ही आप देखते हैं सब कुछ। तो उसका डेब्लिएटेड होना, एकदम खून गंदा होना, इन्फेक्शंस होना, ऐम ही मसूड़े फूले ऐसे ही आप देखें कहीं इन्फेक्शन हुई और दाने निकलना और इस तरह की सिचुएशंस। और खसूसन फिर उसका इमरान खान की जाती चार्ट में, क्योंकि वो अगर हम जस्ट मून साइन से बात करें तो वो उनके हार्ट में डेब्लिएटेड हुआ है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दिल का मौसम खराब है खान साहब का। और अगर वो बात करेंगे तो वो समझे अपने ऊपर जब्त करके बैठे हैं और इस टाइम उनका जेन और मूड जो है वो ऑफ है। समझ सब, इमरान खान जो हैं वो पार्टी क्यादत से राजी हैं? देखें, पार्टी क्यादत से तो डेफिनेटली नहीं हो सकते इस टाइम। हम देखें दो बातों को देखते हैं कि इस टाइम तो किसी से भी राजी नहीं हो सकते। अच्छा, कोई बहुत जबरदस्त आदमी भी हो उनका या जिसने कुछ किया हो उससे भी हो सकता है राजी ना हो। दिल का मौसम तो यही रहेगा, यानी इमरान खान के लिए शिकवे शिकायत। हाँ, मतलब ये जब सिचुएशन होती है तो आप गिले शिकवे करते हैं, दिल बैठा जाता है, सिचुएशन जहनी तौर पे वैसी नहीं होती। लेकिन आप एक बात को वो करें कि जब हमने कहा था जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ अली अमीन है तो आपको याद है जब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था कि अली अमीन ने गद्दारी की है, अली अमीन का जो भी मैटर्स वो सब बता रहे थे, तो उस वक्त आपको याद होगा मैं कह रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है इमरान खान और अली अमीन के मामले में। आप देखेंगे जब खान साहब बोले, अली अमीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे और भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। बल्कि एक निजी शर्त भी मैंने इस पे जीती, क्योंकि वो उन्होंने कहा जी अगर ऐसा हो गया तो फिर हम अच्छा, ये शर्त जो आपने जीती है ये शर्त तो हराम ही होती है। नहीं, शर्त उसका जो है आम जिस तरीके से कुछ चीज लगा के नहीं थी, वो ये थी कि आप फिर पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे पीटीआई को सपोर्ट करना छोड़ेंगे, थी भी घर में। तो बहरहाल उस पे ये था कि वो आपने देखा फिर उन्होंने पिछली दफा भी एतमाद का इजहार किया और अब जब अली अमीन निकले हैं तो वो आपने टोन भी सुनी और उसमें किसी किस्म का कोई ऐसी बात या तासुर नहीं मिला कि इमरान खान ने कोई नाराजगी का या कोई अदम एतमाद का अली अमीन पे इजहार किया हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो भी तासुर बनाया जा रहा है वो असल में ये है कि इमरान खान इस टाइम वैसे भी लो
से महसूस होंगे अपने आप को करेंगे काफी लोग। माज जैसे जैसे थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, ये ऐसे ही होता है कि अचानक आपकी जिंदगी में खून क्योंकि बहुत मानी रखता है, बीपी आपका हाई हो तो आपका बिहेवियर बदलता है, बीपी लो हो तो उस तरीके का बिहेवियर बदलता है। हाई में आप लड़ने मरने को होते हैं, लो में आप फियर्स में और वसवसों में और वहम का शिकार होते हैं, डूबे चले जा रहे होते हैं। तो फिर जब काफी दिन कुछ लोग आपको पता है एडजस्ट करते हैं अपने ब्लड फ्लो को, कई लोग हर टाइम हाई रहते हैं लेकिन उसमें एडजस्ट करते हैं, कई लो में भी एडजस्ट करते हैं, तो वो कुछ दिन लगते हैं फिर उस एडजस्टमेंट में। और खान साहब अभी मुझे लगता है कि उसी फेज से गुजर रहे हैं क्योंकि 10-15 दिन हुए और एक इतना हाई आदमी अचानक उसको ऐसा महसूस हो कि वो बड़ा लो हो रहा है, तो वो तो अभी वजह ही ढूंढ रहे होंगे कि मैं लो क्यों हो रहा हूँ। वो इल्जाम हो सकता है जेल पे लगे या व्हाटसएवर कहीं भी लग सकता है, लेकिन वो अपने आप को इस टाइम लो एनर्जीज में बिल्कुल ठीक है सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सामा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने इमरान खान की खामोशी के हवाले से गुफ्तगू की है। नाज़रीन अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर आप उसामा साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जाते जाते वुकला तहरीक के हवाले से वुकला की जो क्यादत है वो क्या गुफ्तगू कर रही है वो मुलाहजा कीजिए। इनमें से बेशतर वो लोग थे जिन्होंने 2007 की तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया था। ये कि तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी ये मैं कहता चलूं कि सबकी मुत्तफ़िका राय ये थी कि तहरीक तो कब की शुरू हो चुकी है, उसकी रफ्तार क्या होगी, वो तुंद है तेज़ है, इस पे हम आज सर जोड़ कर बैठे हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि जो नेशनल एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं मुख्तलिफ सूबों से, वो अपने सूबों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे बार्स को मोबिलाइज करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि वोकला बरादरी जो है उसके एक बड़े सेक्शन ने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल किया है, तो नेशनल एक्शन कमेटी ये चैलेंज देती है कि तमाम बार काउंसिल्स, तमाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर एक मुल्क गिर रेफरेंडम कराएं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कि 26वीं तरमीम मंजूर या ना मंजूर। हमें तवक्को है कि वो ये चैलेंज कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी शिकस्तें फाश होगी। नेशनल एक्शन कमेटी उन पिटिशंस को सपोर्ट करती है और उनकी पैरवी भी करेगी जो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंचेस में आईनी दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। नेशनल एक्शन कमेटी इस नतीजे पे पहुंची है कि 26वीं आईनी तरमीम आईन के बेसिक स्ट्रक्चर या एसेंशियल फीचर्स के खिलाफ है और कोई आज़ाद अदालत 26वीं आईन तरमीम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम ये तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो इन पिटिशंस के लिए फुल कोर्ट तश्कील देंगे और हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि इट इज नाउ और नेवर। हम ये तवक्को रखते हैं
कि जुडिशरी फ्रंट फुट पे खेलेगी और साइलेंट स्पेक्टेटर का किरदार नहीं अदा करेगी। हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। जब भी पिटिशंस हेयरिंग पे आएंगी तो अदालतों के बाहर भी वकला बरादरी उनके साथ सॉलिडारिटी में और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हर बार एसोसिएशन में अप्रोप्रिएट हालात के मुताबिक अप्रोप्रिएट डेमोंस्ट्रेशंस करेंगे। नेशनल एक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर आज मौजूद थे, उन्होंने उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की। उन्होंने ये ऑफ़र किया कि नेशनल एक्शन कमेटी जो है जो तजवीज़ सामने लेकर आती है उस पर वो दयानतदारी से अमल करेंगे। हम आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनसे मुदबाना गुजारिश करते हैं, एक मुल्क गिर वकला कन्वेंशन बुलाए जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी दावत दी जाए।